संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ही हमने 3 बैंगन लिए हैं, एक ही हमारा बड़ा बैंगन है और 2 हमारे छोटे छोटे हैं और 2 हमने टमाटर लिए हैं। इन बैंगन के जो ऊपर वाला डंठल होता है इसको हम कट करके फेंक देंगे। इसी तरीके से हम तीनों बैंगन के कट करके डंठल को फेंक देंगे। हमने इसके सारे डंठल फेंक दिए हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चीरा लगा देंगे। हमें बैंगन को पूरा नहीं काटना है। हमने तीनों बैंगन में ऐसे चीरा लगा लिया है, पूरी तरीके से हमें कट नहीं करना है और अंदर देख लेना है कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। और हमने कुछ लहसुन की कलियां ली हैं, लहसुन की कलियों को हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। यदि आपके पास बहुत बड़ा बड़ा लहसुन की कलियां हो तो आप छोटी छोटी करके उसको इसमें इसके अंदर ऐसे बैगन में डाल सकते हो। देखो हमने एक बैगन के अंदर 6-7 लहसुन की कलियां डाल दी हैं और इसी तरीके से हम दूसरे बैगन में भी कलियों को डाल देंगे। यदि आपके पास छोटे छोटे बैगन हो तो आप छोटे छोटे बैगन से भी इस तरीके से बैगन की रेसिपी बना सकते हो। और तीनों बैगन में हमने अच्छे से लहसुन को लगा लिया है और जो हमने 2 टमाटर लिए थे, टमाटर के इसका ऊपर वाला भाग काट के हम फेंक देंगे और टमाटर में भी हम उसी तरीके से छोटे छोटे से चीरा लगा लेंगे। देखो हमने इस टमाटर में 3 जगह चीरा लगा लिया है और दूसरे वाले टमाटर में भी हम इसी तरीके से चीरा लगा देंगे। और हमने 2 आलू लिए हैं, 2 आलू को हमने पहले से अच्छे से धो के छील के रख लिया था। और हमने एक कुकर ले लिया है, कुकर में हम इस तरीके से आलू को रख देंगे और जो हमने बैगन लिए थे बैगन को भी रख देंगे और इसी में हम टमाटर को रख देंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा के गैस पर रखकर 2-3 सीटी लगा लेंगे। 3 सीटी आते ही हम कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा कुकर ठंडा हो चुका है, इसका हम ढक्कन खोलेंगे। देखो हमारी कितनी अच्छी सारी चीजें अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। यदि आप इनका छिलका उतारना चाहते हो तो ऐसे छिलका भी उतार सकते हैं, लेकिन हमें इसका छिलका नहीं उतारना है। एक हमने आलू मैसर लिया है, आलू मैसर से हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। इसमें हमें थोड़ा ही पानी डालना है, इसका पानी हमें फेंकना नहीं है। इसी में हमें आलू और टमाटर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने आलू मैसर से सारी चीजों को अच्छे से मैश कर लिया है। हमने बहुत ज्यादा मैश नहीं किया है, थोड़ा हमने इसको खड़ा खड़ा ही रखना है, तभी हमारा खाने में अच्छा लगेगा। हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। हमने गैस को जलाकर गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच तेल डाला है, छोटी चम्मच से। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। इसमें हम जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। जीरा को थोड़ा हम चटकने देंगे और 2 छोटी छोटी प्याज को हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, हम उसको भी डाल देंगे और गैस को तेज कर देंगे। तेज गैस पर प्याज में थोड़ा कलर आने तक अच्छे से हम इसको भूनेंगे। प्याज हमारी थोड़ी भुन चुकी है। 2 हमने हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है और थोड़ी देर तक हम हरी मिर्च को भी इसी प्याज के साथ भूनेंगे। हमारी दोनों चीजें अच्छे से भुन चुकी हैं। गैस को मीडियम कर देंगे। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और मीडियम गैस पर इन मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे जिससे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए और जले ना। गैस को मीडियम ही करेंगे। मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए मसाले को हम अच्छे से भूनते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी डालते जाएंगे जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, मसाले से खुशबू भी आने लगी है और तेल भी अलग होने लगा है। जो हमने बैगन और आलू को मैश करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए इसको भी हम 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे।
अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। हमने इस चम्मच से आधी चम्मच नमक डाल दिया है और अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। इसमें हम थोड़ी सी हरी पत्ती डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखो हमारी बैगन आलू टमाटर की कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब हम गैस को बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। देखो ये हमारी कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस सब्जी को आप पूरी पराठे चावल के साथ खा सकते हो। चावल के साथ खाने में तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। देखो इस सब्जी में खुशबू भी अच्छी आती है और हमने इसमें थोड़ी सी हरी पत्ती और डाल दी है। हरी पत्ती को भी हमने मिक्स कर दिया है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।